चैलेंजिंग सीरीज के अगले प्रॉब्लम के साथ फिर आज हम आपके सामने हैं, और आज का प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, गौर से देखिए। इसमें बताया गया है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होते हैं जिनके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और इसको ड्रा किया गया है एक पेपर के पीछे, एक कोई पेपर ले लीजिए उसके पीछे ड्रा किया गया है, और पेपर को फोल्ड कर दिया गया है। आगे ये बताया गया है, द पेपर इज फोल्डेड सो दैट ओनली पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन इज विजिबल फ्रॉम द फ्रंट, फॉर्मिंग एन एंगल 45 डिग्री एंड 35 डिग्री विद द फोल्ड एज शोन। कह रहा है कि पॉलीगॉन पीछे बना है, और जब कागज को मोड़ा गया है तो सामने केवल इतना हिस्सा दिख रहा है, और ये जो फोल्ड वाली लाइन है, फोल्डिंग लाइन, जहां से मोड़ा है वहां से 45 डिग्री और 35 डिग्री एंगल बनाता है। अब कह रहा है कि पॉलीगॉन में कितने साइड है, पॉलीगॉन पता ही नहीं, हम एंगल फोल्ड से दिया गया है। तो हमेशा की तरह फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस प्रॉब्लम को पहले आप ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं, फिर मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। अब उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसको पूरे मन से ट्राई किया होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, गौर से देखिए। यहां पे बताया गया है कि जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब है कि जितने भी इंटीरियर एंगल है पॉलीगॉन के, ये और ये सब इक्वल है। इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, इसको भी थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एंगल जो है इक्वल होते हैं। अब ये गौर से देखिए, ये जो एंगल 45 डिग्री और 35 डिग्री दिया है, ये पॉलीगॉन का कोई एंगल नहीं, ये फोल्ड से जो एंगल बनता है, कागज को जब मोड़ते हैं तो फोल्ड लाइन आती है, वहां से एंगल बनता है। लेकिन इस चीज को गौर से देखिए, ये हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस बन के आ गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन के आ गया, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस थीटा, ये होगा 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब इसको सम करेंगे तो ये 80 डिग्री आएगा, प्लस 2 थीटा होगा, और ये आपका 360 डिग्री। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 थीटा की वैल्यू आएगी 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 2 थीटा की वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 280 डिग्री, थीटा की वैल्यू आएगी 140 डिग्री, दो से डिवाइड करने पे ये मिलेगा। तो हमको रेगुलर पॉलीगॉन का एक एंगल मिल गया कि कितना है 140 डिग्री। अब पूछा है कि पॉलीगॉन में कितने साइड है, तो ये तो हमको मालूम नहीं है। हाँ, एक एंगल मिल गया। एक छोटा सा नियम है, हम लोग जो छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, गौर से देखिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग एन साइड इज दिस मच। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें एन साइड है, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम इतना होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूम डेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज एन, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, एन साइड का पॉलीगॉन है तो एन एंगल होंगे, तो ये थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, और ये बराबर होगा किसके, ये जो फॉर्मूला है ये इसके बराबर होगा, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एन थीटा इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये मिलेगा। और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 140 डिग्री, दिस इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो ये आपका जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका आपका 29 जा 18, 27 जा 14, तो ये 7n विल बी इक्वल टू 9n माइनस 18, ये मिलेगा। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, 2n विल बी 18, एन विल बी 9, तो पॉलीगॉन की जो नंबर ऑफ साइड्स आएगी वो 9 आएगी, यानी एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 9 साइड्स।
तो उम्मीद करते हैं आज का प्रॉब्लम आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके के अच्छे प्रॉब्लम चाहिए तो हमारे चैनल को थम्सअप करिए। अब मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में।